छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नगर विधायक ने किया डिजिटल कोचिंग लाइब्रेरी का शुभारंभ। मिलन विहार जैन मंदिर के पास दिल्ली रोड पर सभी प्रकार के अध्ययन हेतु मुरादाबाद शहर में प्रथम आर्यभट्ट डिजिटल कोचिंग लाइब्रेरी का शुभारंभ शहर विधायक रितेश गुप्ता ने फीता काटकर किया। लाइब्रेरी के संचालक बलवंत बोरा ने बताया कि 21वीं सदी की हाई स्पीड इंटरनेट से लैस डिजिटल आर्यभट्ट डिजिटल कोचिंग लाइब्रेरी में छात्राओं को विशेष ऑनलाइन पढ़ाई या नौकरी हेतु तैयारियां कराई जाएंगी। इस लाइब्रेरी में किसी भी कोर्स की ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। इस कोचिंग लाइब्रेरी में एक साथ 50 छात्राओं के बैठने की सुविधा प्रदान की गई है। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने बताया कि यह शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का काम करेगी, क्योंकि जो गरीब छात्रा हैं जिनके पास कोर्स खरीदने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं हो पाती, वह इस डिजिटल कोचिंग लाइब्रेरी में आकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पूछने पर लाइब्रेरी के संचालक बलवंत बोरा ने बताया कि इस लाइब्रेरी के माध्यम से सभी प्रकार की पढ़ाई ऑनलाइन कोचिंग छात्राओं को भरपूर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर बलवंत बोरा, हरीश बोरा, वीएस बिस्ट, कृपाल सिंह बिस्ट आदि लोग मौजूद रहे। आज मिलन विहार में एक आर्यभट्ट डिजिटल कोचिंग लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। इस डिजिटल कोचिंग लाइब्रेरी के माध्यम से जिन बच्चों को अपने घर पर पढ़ने का स्थानीय एकांत नहीं मिलता है, वो बच्चे यहाँ पर आके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और इस लाइब्रेरी में उन बच्चों को फ्री इंटरनेट की सुविधा भी है, फ्री पानी उनको उपलब्ध कराया जाएगा और लगभग 50 बच्चे एक बार पर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलन विहार में दिल्ली रोड पर ये हुई है। इसका लाभ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को मिलेगा। सुविधाएं बहुत दी जा रही है सरकार द्वारा, कहाँ नहीं दी जा रही है। जितनी सुविधाएं हमारी सरकार दी है 70 साल में, आपकी किसी सरकार ने नहीं, सब कोई जानते हैं। गया और कौन मुख्य अतिथि के रूप में? मुख्य अतिथि हमारे आज नगर विधायक रितेश गुप्ता जी थे और आज कार्यक्रम में यहाँ पे आर्यभट्ट डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। ये बच्चों की सुविधा के लिए, जो बच्चों को स्पेस नहीं मिल पाता है, जो बच्चे घर में एक कमरे में नहीं पढ़ पाते हैं, गाँव से आते हैं, बेचारे देहात से आते हैं, उनकी पढ़ाई के सुविधा के लिए उनको इंटरनेट सुविधा, पानी की सुविधा और एसी इसकी सुविधा दी गई है। वातावरण की सुविधा और 500 रुपये महीना उनसे दिया जा रहा है, एक सेवा की जा रही है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। लगभग कितने बच्चे हैं? बच्चे कम से कम 50 बच्चों की सीटें हैं। बच्चे कितने आते हैं ये उस पर निर्भर है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगी कि बच्चों को अच्छी वो मिले, कंपटीशन में बच्चे पास हों, कंपटीशन वो करें, शिक्षा में अपना आगे बढ़े। और बड़ा स्पेस करा जाएगा, और बड़ा स्पेस किया जाएगा। आपका शुभ नाम है सर? मेरा बलवंत सिंह बोरा।